आपने कभी क्राइम का वर्ड यूज नहीं करना, आपने वर्ड यूज करना है डिवियंस का, ठीक है? क्राइम, हमने ये पढ़ा कि जो हमारे पास जो क्राइम होती है ना, वो सारे डिवियंसेस ही होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर डिवियंस हमारे पास क्राइम हो, ठीक है? तो प्राइमरी डेवियंस मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. प्राइमरी डेवियंस वो होता है कि अगर कोई बंदा जो है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो कहीं से एक बुक चुरा लेता है या किसी शॉपिंग मॉल से कोई एक चीज चुरा लेता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं करता, तो दैट वाज प्राइमरी डिवियंस, फिर उसने नहीं किया वो चीज, ठीक है. लेकिन सेकेंडरी डिवियंस वो होती है जब वो उसको रिपेटिटिवली करता है, वो पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बन जाता है और लोग उसको फिर उसी चीज से आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है. लेकिन जब उसके ऊपर लेबल लगना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो ये काम जो है तो बिल्कुल बेधड़क करने लग जाते हैं, ठीक है. इज इट क्लियर नाउ? चले, अब हम मूव ऑन करते हैं. अच्छा, अब हमने क्राइम की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ क्राइम. तो इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, ठीक है. एक होता है एक्टिस रियस और एक होता है अच्छा, पहले इनसे ये नेचर ऑफ क्राइम हम पढ़ लेते हैं, ठीक है. अब है माला इनसे जो देयर टू टाइप नेचर्स ऑफ क्राइम, ठीक है. माला इनसे इसमें ये होता है कि रॉन्ग विद इन देमसेल्व, ठीक है. यानी जी हेलो, कंटिन्यू करें जी, कंटिन्यू करें। अच्छा जी, नेचर ऑफ क्राइम्स हैं, ठीक है. अब नेचर ऑफ क्राइम्स में क्या होते हैं हमारे पास कि उसके टू नेचर्स हैं हमारे पास. एक है माला इनसे और एक है माला प्रोहिबिशिया या प्रोहिबिटा, ठीक है. तो माला इनसे में क्या होता है कि ये जो एक्ट उसने किया होता है, जो द क्राइम दैट ही हैज कमिटेड ना, तो वो गलत होता है, ठीक है. मतलब उसकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं होती. जैसे मर्डर हो, रॉबरी हो, इंजरी हो, इंजरिंग समवन हो या ड्रग यूज हो, ठीक है. मतलब ये चीजें हमारे पास क्रिमिनल लॉ ने कहा है कि ये गलत है, तो ये गलत है. देयर इज नो नो नीड ऑफ जस्टिफिकेशन, और कोई जस्टिफिकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट भी नहीं होगी. लेकिन माला प्रोहिबिटा जो है वो ये होता है कि ये रॉन्ग, वो रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि क्रिमिनल लॉ ने उसको रॉन्ग किया होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि ये रॉन्ग है, ये प्रोहिबिटेड है बाय द सोसाइटी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ड्रिंकिंग, ये तो खैर हमारी सोसाइटी में पब्लिक ड्रिंकिंग जो है, तो ये हमारे पास जो हमारा रिलीजन है उसमें भी रॉन्ग है. अच्छा, स्मोकिंग हो गया, ठीक है. स्मोकिंग जो है तो ये हो गया, माला प्रोहिबिटा में आ जाता है, ठीक है. ये मे नॉट बी इवन इलीगल इन डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन. फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ड्रिंकिंग जो है तो वो यूएस में जो है तो आप ड्रिंक कर सकते हैं, लेकिन इस तरह पब्लिक ड्रिंकिंग आप वहां पे भी पब्लिक प्लेसेस में नहीं कर सकते, ठीक है. अब स्मोकिंग है वो आप पब्लिक प्लेसेस पे नहीं कर सकते. अब जैसे पार्क्स में जहाँ पे बच्चे हो तो वहां आप स्मोकिंग नहीं कर सकते. इन द हॉस्पिटल प्रेमिसेस यू कैन नॉट स्मोक, ठीक है. तो ये हमारे पास प्रोहिबिटा होता है, ठीक है, माला प्रोहिबिटा. अच्छा, क्रिमिनलिटी हमारे पास क्या है? क्रिमिनलिटी इज द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल. अच्छा, अभी जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी ना, नॉर्म वैल्यू और उन सब चीजों की, तो उसमें हमारे पास एक सिन था और एक वाइस था, ठीक है. अब सिन हमारे पास क्या होता है? इट इज अ वायलेशन ऑफ द रिलीजियस ऑब्लिगेशन, ठीक है. इसमें क्या होता है कि ऑल द एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन आर कंसिडर्ड एज सिंस. द सिन कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसग्रेशन ऑफ द डिवाइन लॉज. इट्स वेरी बेस इज रिलीजन व्हाइल द क्राइम इज बेस्ड अपॉन लॉज, ठीक है. जब क्राइम हो, क्राइम और सिन में मेन डिफरेंस ये है कि क्राइम जो है तो वो अगेंस्ट द क्रिमिनल लॉ अगर कोई जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्राइम होता है, और उसको हम जो है तो सजा भी क्रिमिनल लॉ से ही देते हैं, जो पेनल्टीज जो पीनल कोड में होती हैं उससे देते हैं. जबकि सिन जो होता है वो हमारे पास उसकी बेस होती ही रिलीजन है, ठीक है, और वो हमारे पास रिलीजन डिफाइन करता है कि ये हमारे पास ये एक सिन है, और उसके लिए हमारे पास जो लॉज होते हैं ना वो हमारे पास रिलीजियस बुक्स से आते हैं, ठीक है. द कॉन्सेप्ट ऑफ सिन इज ट्रेडिशनल बेस्ड ऑन ऑर्थोडॉक्सी एंड रिजिडिटी. द फाइनल डिसीजन इन सिन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बुक्स, व्हाइल इन मैटर ऑफ क्राइम इट इज टेकन बाय द लॉ ऑफ कोड, ठीक है, या लॉ ऑफ कोड. डैरो हैज डिफाइंड सिन इन अ मोस्ट सूटेबल मैनर. इन हिज वर्ड्स, सिन इज एन ऑफेंस अगेंस्ट गॉड, a transgression against the divine law, and any thought, desire, word, and act or omission against that law.
ठीक है. अब क्राइम एंड वाइस, अच्छा क्राइम एंड सिन के दरमियान कोई डिफरेंस बता दो मुझे जो मैंने अभी बताया, प्लीज एक्सप्लेन दैट. मैम जो है ना सिन वो है वायलेशन ऑफ लॉ मेड बाय द ओमनीपोटेंट ऑलमाइटी, और जो वाइस है वो वायलेशन ऑफ मोरालिटी है, मतलब ये कि आप इंडिविजुअल अपने आप को खुद हार्म कर रहे हो. फॉर एग्जांपल आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप ड्रिंकिंग कर रहे हो, मतलब जो आपकी खुद को नुकसान पहुंचाना है ना वो मॉरल वैल्यूज को, दैट इज कॉल्ड एज वाइस. एंड सिन्स है जो आपके रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को आप कर रहे हो उसको आप मतलब सिन्स कहोगे. फॉर एग्जांपल कोई बंदा ये, फॉर एग्जांपल कोई मस्जिद में जाके कोई मतलब लोगों को तंग कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, इसको मैं कह सकता हूँ कि सिन्स है जो मतलब शिर्क के इन केस आता है. ठीक है, सही. अब क्राइम एंड वाइस जो है अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है. तो वाइसेस जो होते हैं ना, ये वो एक्ट्स होते हैं दैट आर कंसिडर्ड इमोरल और अनप्लेजेंट इन एनी सेटिंग और सोसाइटी, ठीक है. अब ये क्या होता है कि वाइसेस आर यूजुअली एसोसिएटेड विद अ ट्रांसग्रेशन इन अ पर्सन्स कैरेक्टर और टेम्परमेंट रादर देन देयर मोरालिटी, ठीक है. और इसमें ज्यादा हार्म किसका होता है, उस बंदे का होता है. अल्टीमेटली नुकसान सोसाइटी का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो उस इंडिविजुअल का ही होता है जो वो एक्ट्स कर रहा होता है वाइस, ठीक है. आई विल गिव यू द एग्जांपल, GTA वाइस सिटी जो है, तो उसमें वाइस यही होता है कि उसमें इमोरल और इस तरह की एक्टिविटीज हो रही होती हैं, ठीक है. अच्छा, अब vices are often including in the category of crimes, but many of them sometimes are not regarded as crimes. There is a lot of difference in their aims. The crimes cause harm to others, while the vices cause harm to an individual himself. For example, the vices like smoking causes harm to the individual alone. ठीक है? As the harm to the individual indirectly affects the latter, therefore society prohibits the vices and generally gives punishments for them. अब स्मोकिंग है, ठीक है, वो बंदा कर रहा है, अगर उसको कोई कहे कि ये तुम स्मोकिंग क्यों कर रहे हो, ठीक है, पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग क्यों कर रहे हो, तो वो उसके सामने वो जस्टिफिकेशन दे देगा कि ये तो मेरी मर्जी है, मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे लंग्स खराब हो रहे हैं ना, तो ये तो मेरा मसला है, आपका तो नहीं है. तो नहीं, ये सिर्फ उसका मसला नहीं है. अगर वो पार्क में कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल विच इज अ प्रोहिबिटेड एरिया फॉर स्मोकिंग, तो वहां पे बच्चे भी होते हैं, ठीक है, वहां पे एल्डरली लोग भी होते हैं, वहां पे हर किस्म के लोग होते हैं, ठीक है. तो स्मोकिंग में ये होता है कि एक एक्टिव स्मोकर होता है जो स्मोकिंग कर रहा होता है, और एक पैसिव स्मोकर होता है जो कि उसके सराउंडिंग्स में लोग होते हैं, ठीक है. एक तो उनके इनको जो हेल्थ है उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, वो पैसिव स्मोकर्स हो रहे हैं, ठीक है, उनके लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं किसी और की स्मोकिंग की वजह से. दूसरा ये कि वहां पर बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको जो है तो वो देख रहे हैं, एक डिवियंट बिहेवियर देख रहे हैं ना, तो वो उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं. तो ये सोसाइटी की मोरालिटी को भी के लिए भी नुकसानदेह है, और उसका जो है तो वो जो ऑर्डर है और हेल्थ और उस सब के लिए भी ये नुकसानदेह है. तो ये सिर्फ इंडिविजुअल हार्म नहीं है, ये सोसाइटी का भी हार्म है, लेकिन प्राइमरी हार्म जो है वो उस इंडिविजुअल का है. इसी तरह जो गैम्बलिंग है और जो डिफरेंट इस तरह की चीजें हैं, तो वो वाइसेस होती हैं, ठीक है. उस बंदे को खुद भी नुकसान होता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो सोसाइटी के ऊपर भी उसका काफी बड़ा उसको नुकसान होता है, ठीक है. अच्छा, अब हम पढ़ेंगे क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम, ठीक है. अब अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट कंस्टिट्यूट्स अ थ्रेट टू द सोसाइटी, इट्स अ क्राइम, ठीक है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोशल प्रॉब्लम, ये क्या करते हैं हमारे पास के सोसाइटी के एक लार्जर सेक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है. जनरली रिगार्डेड हार्मफुल फॉर सोसाइटी, पीपल बिकम फेड अप विद इट एंड डिस्कस इट्स सॉल्यूशन. इट्स ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप दैट वांट्स टू अचीव इट्स एंड्स एट द एक्सपेंस ऑफ द सोसाइटी. ये अभी हम आगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है. अब कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ क्राइम क्या है, ठीक है. हमारे पास एक एक्टस रियस है और एक मेंस रिया है. मेंस रिया जो है, एक्टस रियस जो है ना, तो ये गिल्टी बॉडी होता है या एक्शन, ठीक है, गिल्टी एक्शन. और मेंस रिया जो है तो वो गिल्टी माइंड को कहते हैं, ठीक है. गिल्टी माइंड का मतलब ये है कि उसकी इंटेंशन भी ये थी ये क्राइम करने की, ठीक है,
और ही इज नॉट अशेम्ड ऑफ दैट, और वो उसको जो है तो उसमें वो कैपेसिटी ही नहीं है कि मैं उसमें ये सेंस ही नहीं है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये मैं गलत कर रहा हूँ, उसको वो ठीक लग रहा होता है, ठीक है, दैट इज गिल्टी माइंड. या उसने जो है तो इरादा कर लिया था इस क्राइम का एंड ही वॉज वेल अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, और उसको पता था कि मैं क्राइम कमिट कर रहा हूँ लेकिन वो फिर भी कर रहा था, तो दैट्स मेंस रिया, दैट इज द गिल्टी माइंड. और एक्टस रिया क्या है कि वो एक्ट करता है, वो फिजिकली उस चीज को कमिट करता है, ठीक है, उस क्राइम को. अगर किसी को उसने मर्डर करने का सोचा था, उसका गिल्टी माइंड, ठीक है, मेंस रिया, उसने सोचा था कि मैं इस बंदे को कत्ल करूंगा, ठीक है, इरादा उसने कर लिया था और फिर वो उसको कर भी देता है, मतलब उसने उस पर एक्शन भी कर लिया, तो दैट्स एक्टस रिया. तो एक्टस रिया इज कमीशन या मूवमेंट या वर्बल पोजेशन, ठीक है. It is the actual and physical criminal act. For example, killing, abducting, stealing, etc. Whereas mens rea, it's insanity. It lacks the capacity to appreciate the wrongfulness of their conduct. The intention behind committing a criminal act, that's mens rea. Okay? For example, to loot the wealth of the victim after killing him, etc. Is it clear? Yes, it's clear. Yes. मैं बहुत तेज तेज तो नहीं बोल रही, ऐसे ना आप सब लोग सो गए और मैं तेज तेज बोल रही हूँ. नहीं नहीं सही जा रही है, मोमेंटम सही है. अच्छा अब है रीजनेबल मैन टेस्ट, ठीक है. एन इंडिविजुअल इज नॉट लायबल इन अ क्रिमिनल कोर्ट फॉर रिमोट अनफॉरसीएबल और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच अ रीजनेबल पर्सन वुड नॉट हैव फॉरसीन एज लाइकली टू हैव फ्लोड फ्रॉम द एक्ट. There is a liability for the direct results of the act, but a diminished या no criminal liability for remote, unforeseeable or indirect consequences. ये एक बार read करके फिर मुझे आप लोग समझाएं ये क्या है. Anyone? कोई आंसर तो करें, अगर नहीं भी आता तो खैर फिर भी बता दें. मतलब किसी सबूत के बगैर उसके जो क्राइम है वो कंसीडर नहीं होता होगा. नहीं ये ऐसा नहीं है. इसमें ये है कि अगर कोई किसी ने कोई क्राइम कमिट कर लिया, ठीक है, अब उसने जो क्राइम कमिट किया है ना उसको उसी क्राइम के मुताबिक उसको सजा मिलेगी और उसी चीज की सजा मिलेगी जितना उसने क्राइम कमिट किया है या उसने जिसने जितना उसने इरादा किया है. जो उसका फॉरसीएबल फ्यूचर है या उसमें और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आ गए हैं, ठीक है, अनफॉरसीएबल या इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस उसके जो हों, तो उसके लिए उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी. फॉर एग्जांपल किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, ठीक है, अब उसने तो उसको कत्ल कर दिया तो उसके ऊपर जो क्रिमिनल है उसके ऊपर मर्डर का ही चार्ज लगेगा, उसी बंदे के मर्डर का. अब उसके बाद जो उसके घर वालों को अगर कोई हार्ट अटैक हुआ हो या उसकी कोई प्रॉपर्टी छिन गई या जो कुछ भी हुआ हो एज अ कॉन्सिक्वेंस टू ऑल दिस, लेकिन इसका मकसद ये नहीं था, ठीक है, इसका मकसद सिर्फ उस बंदे को कत्ल करना ही था, तो इसके ऊपर चार्ज सिर्फ उस कत्ल का लगेगा. जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं ना, उसका इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड एज अ रीजनेबल मैन टेस्ट. किसी के एक आम जो आम बंदा है, एक रीजनेबल बंदा है जिसको अगर उसके जहन में भी ये बात ना आई हो कि इसके ये इफेक्ट्स साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो वो चीज उसके ऊपर वो क्रिमिनल के ऊपर लायबल फिर नहीं होगी उसके चार्जेस. समझ आ गई है? यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक बात ऐड कर लूँ इनको, मतलब यहाँ ऐसे शायद काफी ज्यादा क्लियर हो जाए. यार ये सर आया ना कि आपके पास लेट सपोज एक बंदे ने दूसरे बंदे को क्या है स्टैप कर लिया, ठीक है, स्टैप मतलब चाकू वगैरह मार दिया. अब उसको मामूली सा जख्म आया, मामूली सा जख्म उसको आ गया, लेकिन उस बंदे ने उस चीज का इलाज सही तरह नहीं करवाया, ठीक है, फिर वो 6-7 महीने बाद उसको कोई इन्फेक्शन हो गया, वो इन्फेक्शन मतलब मजीद बदतर से बदतर होता चला गया,
और उससे फिर उसकी डेथ हो गई, तो क्या इस मामले में जिस बंदे ने स्टार्ट में उसको मतलब स्टैब किया था, क्या उस पर मर्डर का चार्ज लगेगा या सिंपल स्टैबिंग का चार्ज लगेगा? तो क्रिमिनल ये बात हमें ये बताती है ना रीजनेबल मैन टेस्ट, कि आपके पास उस बंदे को आप उतनी ही सजा दोगे या उसी जुर्म के लिए चार्ज करोगे जो कि इनिशियली उसने किया था, जो कि अनफोर्सीबल उसके कॉन्सिक्वेंसेस है ना, कि यार ये बंदे ने इलाज नहीं करवाया तो उसको इन्फेक्शन हो गया और फिर उसकी उससे उसकी डेथ हो गई, तो मर्डर के लिए उसको चार्ज नहीं किया जाएगा। इस तरह इसकी बाकी भी एग्जांपल्स है, अलाइब आपको फिर वो बता देगी आगे, ठीक है? यस सर, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया ये पार्ट, ठीक है। हाँ, इसमें एक और डेफिनेशन आप ऐड कर ली सिक्योरिटी की, ठीक है। तो सिक्योरिटी इज स्टेट, वो मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर करूंगी तो वो उसमें है, ठीक है। द सिक्योरिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डेंजर और थ्रेट, ठीक है। अब इसके तीन डायमेंशन में सिक्योरिटी होती है, ठीक है, एक सोशल, फिजिकल और इकोनॉमिक, ठीक है। तो द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डेंजर और थ्रेट सोशली, तो ये हमारे पास सोशल सिक्योरिटी हो गई। फिर इसी में आप फिजिकली ऐड करें तो फिजिकल सिक्योरिटी हो गई, और इकोनॉमिक ऐड करें तो इकोनॉमिकली तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके साथ और स्लाइड्स शेयर करती हूँ। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्राइम एंड टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स, जो कि हमारे पास है इसका सेक्शन नंबर 3, क्राइम एंड क्रिमिनल्स। लाइबा, मतलब मेरे ख्याल में इतना काफी नहीं है शायद, क्योंकि आप लोगों के लिए भी काफी बर्डन हो जाएगा ना, क्या ख्याल है? आप जिस तरह मुनासिब समझे सर, फिर बहुत ज्यादा रह जाएगा ना। चले ठीक है, करवा दें अगर आप, आपके लिए इजी हो तो खैर करवा दें, ठीक है, इट्स ओके। बस सर, मैं तो करवा दूंगी, लेकिन ये लोग रिटेन कर सकेंगे या नहीं, ये बात है फिर। नहीं नहीं, रिटेन कर सकेंगे ऑब्वियसली, ये सारी चीजें अवेलेबल है, हम इनको हाईलाइट करवा देंगे ना कि आपने इन चीजों को डिटेल से कहां पढ़ना है, ठीक है, तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। जी सर, ठीक है, कोई मसला, इतना मसला नहीं, क्रिमिनोलॉजी इजी है। जहाँ पर ये मसले मसाइल है ना, वो मैं आपको खुद पॉइंट आउट करवाऊंगा कि यार इससे क्वेश्चन आता है वो किस तरह ले आ सकते हैं और आपने इसको किस तरह हैंडल करना है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। आप कंटिन्यू करें, चले ठीक, कंटिन्यू करें, ठीक है सर। अच्छा, अभी हम सेक्शन वो इसका जो है तो पार्ट 3 करेंगे, क्राइम एंड क्रिमिनल्स का, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्राइम्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स पढ़ेंगे। स्क्रीन आपको नजर आ रही है? हेलो, जी जी आ रही है सर, जी आ रही है, जी जी मैम नजर आ, ठीक है। ये मेरे अपने नोट्स है, लेकिन ये मैंने वो कैम स्कैनर से किए हैं, तो थोड़ा सा मसला होगा, फिर मैं आपके साथ ये शेयर भी कर दूंगी। अच्छा, ये हमारे पास बेसिक आउटलाइन होगी इसकी, ठीक है। हमने जो क्राइम्स है ना, तो उसको भी हमने इन्हीं हेडिंग्स के अंडर जो है उसको एक्सप्लेन करना है, और जो क्रिमिनल्स है उसको भी जो है तो इन्हीं हेडिंग्स के अंडर इसको हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हमने पहले डेफिनेशन, फिर डिग्री ऑफ सिवेरिटी, बैकग्राउंड ऑफ क्रिमिनल, नेचर ऑफ क्राइम, पैटर्न, पेनल्टी, काउंटरिंग दीस क्रिमिनल्स, और उसकी प्रिवेंशन, मतलब उसकी मैनेजमेंट जो है, और एग्जांपल्स हमने। तो इसी तरह ये सारी हेडिंग्स याद कर लें तो फिर आपके लिए हर क्राइम और हर क्रिमिनल जो है तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओकेजनल क्रिमिनल्स की तरफ आते हैं, ठीक है। डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि दोज क्रिमिनल्स हु कमिट क्राइम ओनली व्हेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी और टेम्पटेशन टू डू सो, दे हैव द नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ क्राइम, दे हैव द नॉलेज ऑफ द इरेगुलरिटी और द क्राइम, ठीक है। किसी को आइडिया है वैसे कि ओकेजनल क्रिमिनल्स कौन से होते हैं? Those criminal which take the opportunity, मतलब जो क्राइम अपॉर्चुनिटी की बुनियाद पे करें, जो कि इंटेंशनली क्राइम ना कर रहे हो, उनको अपॉर्चुनिटी नजर आए और वो उससे फायदा उठा लें, उसमें मतलब आप ये कह सकती हैं कि देर इज नॉट मेंस रिया, नहीं होता इंटेंशनली, पहले नहीं होता। जब फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी खुली हुई है और उसमें वॉलेट पड़ा हुआ है, किसी इसके यार कोई गाड़ी के पास नहीं, तो ही अल्टीमेटली कमिट द क्राइम, उसकी कोई इंटेंशन, कोई प्लानिंग नहीं होती एक्चुअली, वो कहीं क्रिमिनल होती है।
प्लानिंग तो उसकी नहीं होती, लेकिन इंटेंशन उसकी यही होती है कि मैंने ये चीज लेनी है, मतलब उसको मौका मिल गया तो उसने फिर वो एक्ट कमिट करना होता है। इट इज अ स्पॉन्टेनियस, ये नहीं है कि पहले से प्लानिंग हो, आई मीन टू से दिस, हां हां, प्लान नहीं होता, प्लान। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसका हम डिग्री ऑफ सिवेरिटी देखते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास पेटी क्राइम्स भी हो सकते हैं और बहुत ग्रेवियस क्राइम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े क्राइम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बैकग्राउंड हमारे पास इसमें क्या होता है, ऑफ ओकेजनल क्रिमिनल, ठीक है, ओकेजनल क्रिमिनल कैन बी ऑफ एनी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है, हमारे पास ऐसे कोई स्पेसिफिकली कोई नहीं हो सकता, ये हमारे पास हाई सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी हो सकता है, लो से भी हो सकता है, किसी भी क्लास से ये ताल्लुक रख सकता है, बस इसको सिर्फ मौका चाहिए होता है, ठीक है। और इसमें जेंडर की भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं हो सकती, द क्रिमिनल कैन आइदर बी मेल और फीमेल, ठीक है। फिर नेचर ऑफ क्राइम हमारे पास क्या है कि द क्राइम कैन बी ऑफ एनी नेचर कॉजिंग हार्म इन एनी डायमेंशन, जो हमने सिक्योरिटी पढ़ी ना उसमें हमने तीन डायमेंशन पढ़े थे, सोशल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल, तो इसमें इन तीनों जो डायमेंशन है ना, तो उसमें से किसी को भी ये हार्म पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब पैटर्न इनका क्या होता है, ये पैटर्न मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, पॉजिटिव स्लोप है एंड नेगेटिव स्लोप है। हॉरिजॉन्टल जो है ये आप एरो देख रहे हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, वो सेम क्राइम को ही एक ही पेस पे लेके चल रहा होता है, बस बिल्कुल एक स्टेडी स्टेट में वो चल रहा होता है, ठीक है, ना वो कोई बड़ा क्राइम करता है, ना कोई छोटा क्राइम करता है, ना पेस बढ़ाता है ना कम करता है, बस सेम पेस पे वो चल रहा होता है, ठीक है। अब वर्टिकल जो है तो वर्टिकल सेम क्राइम्स है बट इंक्रीज पेस है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले वो बुक्स चुराता था तो बस एक बुक चुराता था, फिर कई टाइम तक फिर वही बस एक चीज पे ना वो था, अब वो क्या करता है कि वही बुक्स ही चुराता है लेकिन ज्यादा चुराता है या बहुत जल्दी जल्दी चुराता, मतलब पहले वो काफी गैप दे के इस तरह करता था, ठीक है, उसने पेस अपनी इंक्रीज कर दी है। और फिर पॉजिटिव स्लोप है हमारे पास कि इसमें सिवेरिटी जो होती है वो भी इंक्रीज होती है और इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम्स भी इंक्रीज होती जाती है, और मतलब वो और जो है तो प्रोग्रेस कर रहा होता है, ठीक है। और नेगेटिव स्लोप जो होती है वो उसकी सिवेरिटी डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर ओकेजनल क्रिमिनल है तो उसमें हमारे पास इनमें से कोई भी पैटर्न हो सकता है, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, सेम क्राइम जो है तो वो एट द सेम पेस वो कमिट कर रहा होता है, वर्टिकल भी हो सकता है यानी सेम क्राइम्स लेकिन उनकी पेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, पॉजिटिव स्लोप भी हो सकता है यानी इंक्रीजिंग सिवेरिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम, और नेगेटिव स्लोप भी हो सकता है दैट मीन्स डिक्रीजिंग सिवेरिटी। अच्छा, पेनल्टी इनके लिए हमारे पास कौन डिसाइड करता है, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पाकिस्तान पिनल कोड 1860 है, ठीक है, जो हमारे पास इनके लिए पेनल्टीज डिसाइड करता है कि किस क्राइम के लिए कौन सी पेनल्टी होगी, तो इसमें हमने यही लिखना, ठीक है, पाकिस्तान पिनल कोड। अच्छा, एक इसकी एक एग्जाम्पल आप बता दें मुझे। हेलो, कोई भी एग्जांपल बता दे जो आपको समझ आती हो कि ये ओकेजनल क्रिमिनल्स होते हैं। यार मैं आपको हैंड दे देता हूँ, एक सेकंड मैं आप लोगों को एक हैंड दे देता हूँ। ये जो एक वफद आया था ना, ये बाहर से, ये कुवैत का वफद आया था आपके पास, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस, तो उसमें वाकया हुआ था, वो आपके पास ओकेजनल, सर वो जो डिप्लोमेट ने वो चोरी की हुई थी। यार डिप्लोमेट ने नहीं की हुई थी, वो किसी दूसरे ग्रुप से था, ठीक है, तो एग्जैक्टली उसी तरह होता है कि जब भी उनको मौका मिलता है ना वो कर लेते हैं। और जैसा कि लाइबा ने बात बताई ना कि ये किसी भी क्लास से बिलोंग कर सकते हैं, किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल मिलती है कि ये ओकेजनल क्रिमिनल्स जो है ना, ये मतलब इनमें इतनी टेंडेंसी वो नहीं होती, लेकिन जब भी इनको मौका मिलता है तो they are tempted to commit this crime. तो फिर वो depend करता है कि अगर उसको मौका ज्यादा मिल रहा है ना, ठीक है, तो वो उसकी मतलब वो जो patterns उन्होंने बताए तो उसी के हिसाब से चलता रहता है।
और जो कि आपके पास अगर नेगेटिव स्लोप आ रही है ना, मतलब वो कमिट, मतलब वो कमीशन ऑफ क्राइम उसमें, मतलब वो क्या है, डिक्रीज आ रहा है, तो ये हमें फिर क्या बताता है? तो क्रिमिनोलॉजी हमें ये एक्सप्लेन करती है ना कि ये प्रिवेंटिव मेजर्स जो लिए गए हैं ये काफी आपके पास इफेक्टिव हैं, ठीक है? तो इन चीजों का आप, सारी चीजों को आपने लिंक करना है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। ये कॉजेशन एंड प्रिवेंशन इन्होंने यहाँ पर स्किप की हुई है, ये मैंने इनको स्किप करवाई थी। क्यों? क्योंकि जब हम ये थीरीज पढ़ लेंगे ना, फिर ये सारी चीजें हम एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे कि क्राइम, क्रिमिनलिटी, क्रिमिनल भी, ये सारी चीजें किस तरह लिंक है, ठीक है? चले लाइव आप कंटिन्यू करें, फिर लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें मैंने अभी इनको मैनेजमेंट इसीलिए नहीं बताई कि थ्योरीज मैं करवा लूं, फिर ये मैं इनसे। हां, एग्जैक्टली 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 इसी तरह आप कंटिन्यू करें, ठीक है सर? अच्छा, अब हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, ठीक है? अब एनी रफ आईडिया कि हैबिचुअल क्रिमिनल्स कौन से होंगे? The person who commit a crime habitually, जो के two three times मतलब frequently कोई crime करता रहे, उसको habitual criminal कहेंगे, जो उसने आदत ही बना ली है crime करने की, जिनकी जिनकी habit हो जाती है। जी जी बिल्कुल ठीक है, सही है बिल्कुल। अच्छा, a person convicted frequently for criminal behavior and is presumed to be a danger to the society, the habitual criminal are frequently convicted for breaking the criminal law. यही बात है कि उनको बस उनकी आदत ही होती है ये चोरी करना, occasional तो उनको तो जब मौका मिलता है तब करते हैं, इनकी तो आदत ही होती है कि जब बस दिल चाह बस ही हर वक्त जो है तो क्राइम्स वो करते हैं, और ये क्राइम्स होती है इनकी सिवेरिटी आप जो है तो वो पेटी से ग्रेवियस हो सकती है, वो डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर, ठीक है? वो बहुत छोटे से छोटा भी कर सकता है, बड़े से बड़ा जुर्म भी कर सकता है। अब बैकग्राउंड इसमें क्या हो सकता है कि जो हैबिचुअल क्रिमिनल है ना, अब ये किसी भी जेंडर का हो सकता है, इसमें कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं होती, ठीक है? एज ग्रुप की भी ऐसी एज सच कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, ठीक है? और ही मे बिलोंग टू एनी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। मुझे एक दो मिनट की ब्रेक चाहिए होगी, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। ठीक है, तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? मैं जरा इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, आप ब्रेक ले लें। हेलो, आप सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। चले अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ, यार आप लोग ये पढ़ रहे थे ना कि क्राइम आप लोगों ने पढ़ लिया कि जब भी आपके पास लॉ ब्रेक हो, मतलब लॉ ब्रेक होगा और क्रिमिनल लॉ ब्रेक होगा तो आपके पास क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होगा, ठीक है? जब क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होगा आपके पास एक क्रिमिनल होगा, फिर उस क्रिमिनल को स्टडी करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एफर्ट्स और डिफरेंट टाइम्स किए गए हैं, ठीक है? फिर उसमें आपके पास वो करते करते क्रिमिनल लॉ में उस चीज़ क्रिमिनोलॉजी की वो आ गई कि यार क्राइम होता क्यों है, कहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, किस वजह से होता है, ठीक है? कौन करता है, ठीक है? जो इंसान ये करता है वो किस, मतलब उसकी क्या डायनामिक्स होती है, वो सारी चीजें आपने पढ़ ली। फिर आप इस चीज पर हम कन्वर्ज हुए कि आपके पास जो क्राइम कमीशन के लिए है ना, नॉर्मली हम दो चीजें देखते हैं। कौन सी दो चीजें आपको मुलायबा ने वो समझाई थी कि आपके पास क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए या उस पर चार्ज लगाने के लिए दो चीजें जरूरी होती है, वो कौन सी थी? सर, एक्स ई और मेंस रिया। अच्छा, तो आप लोगों को, मतलब आप लोगों के जहन में ये बात नहीं आई कि क्या ऐसी कंडीशन आ सकती है हमारे पास कि इनमें से कोई एक चीज ना हो और फिर भी बंदे पर चार्ज लग जाए, तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? इज इट पॉसिबल सर? एक्स रिया हो तो आप कंडीशन लग जाएगी, मेंस रिया ना भी हो तो नहीं लगेगी, क्योंकि मेंस रिया तो आपने इंटेंशनली प्लान नहीं भी किया हुआ, तो आप क्राइम एक्ट कर देते हैं तो मेरे ख्याल में कंडीशन इम्पोज्ड हो जाएगी, क्योंकि मेंस किया तो एक्चुअली ना इंटेंशन है, प्लानिंग है कि मैंने सोचा नहीं हुआ था कि मैंने चोरी करनी है और मैंने उस पर जाके अमल कर दिया, तो मेरे पर कंडीशन तो लागू होगी ना, चार्ज इम्पोज होगा। अच्छा, एनीवन एल्स? सब जब तक एक्ट नहीं हुआ होगा क्राइम कमिट करने का और फिजिकली एक्ट नहीं हुआ होगा तब तक तो कोई उस पे नहीं लागू होता ना, कोई लॉ वगैरह उस पे। चले मैं पूछता हूँ, एक सेकंड मैं जिस, अच्छा लो, वेरी गुड, आप लोगों, अच्छी बात है आप लोगों ने कर लिया। हुरिया, ये उसमें ये मतलब आपके पास अगर कमिट हुआ भी नहीं है क्राइम तो क्या सिर्फ मेंस रिया के बिना पर किसी बंदे को चार्ज किया जा सकता है? सर, आई डोंट नो।
चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। या खुदा के बंदो, ये दोनों जो आप पढ़ेंगे ना, तो नॉर्मल आपके पास जो नॉर्मल कोर्स ऑफ वो होता है ना, नॉर्मल कोर्स जो कमीशन ऑफ क्राइम का, तो ये दोनों चीजें इसमें होती है। फिर इन दोनों के दरमियान भी दो कंडीशंस आ जाती हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपके पास मेंस रिया नहीं है और आपके पास एक ऐसा एक्ट हुआ है एक बंदे से, ठीक है, जो कि आपके पास क्रिमिनल लॉ की वायोलेशन है, ठीक है, तो क्या उस बंदे पर क्रिमिनल चार्ज लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप ये कहेंगे कि इट विल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स, ठीक है। पहला क्या है कि आया आपके पास नेग्लिजेंस का एलिमेंट यहां पर मौजूद था या नेग्लिजेंस का एलिमेंट यहां पर मौजूद नहीं था। इसकी एग्जांपल आप देख लें कि एक बंदा है, ठीक है, एक चोर आपके मतलब घर में घुसा है, या चोर की बात भी आओ वो आप, चलो आपसे एक बंदा वो मतलब क्या है, एक चोर आपके घर में मतलब आ गया ना, या आपने सीधा एक दीवार पर वो क्या है एक बंदे को देख लिया, चलो दिन के किसी टाइम में भी या रात को भी हो, तो आपके पास क्या रास्ता है? आपके पास अगर ये ऑप्शन मौजूद होती कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं एंड एट द सेम टाइम आप अपनी सेफ्टी के लिए भी मेजर लेते या एक दफा उसको वार्न कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज पहले ये ऑप्शन देखेगी कि क्या इस बंदे के पास कोई दूसरी ऑप्शंस मौजूद थी जिससे ये इस बंदे से बच सकता था, या जो मतलब आपने अल्टरनेटिव कोर्स चूज किया। अल्टरनेटिव कोर्स क्या है कि आपने सीधा ही उस बंदे को गोली मार दी, मतलब लेट सपोज वो सिर्फ दीवार के साथ भी खड़ा था और आपने सीधा गोली उसको मार दी, ठीक है, तो आपकी कोई इंटेंशन तो नहीं थी लेकिन आपने सीधा मतलब विदाउट एनी मेजर आपने उस बंदे को मार दिया, ठीक है। फिर मार के भी आपने ये चीज का ख्याल नहीं रखा कि उसको पांव पर हिट करना है या हाथ पर गोली मारनी है, ठीक है, आपने सीधा उसके सर पर हिट किया, तो फिर आप पे चार्ज लगेगा। चार्ज आप पे लगेगा और आप ये प्रूफ करोगे कि आपकी इंटेंशन जो थी ना वो मेलाफेड नहीं थी, मेलाफाइड इंटेंशन आपकी नहीं थी। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन ये है कि उस बंदे के पास हथियार भी था, सही है, एंड ही वॉज विद इन द प्रेमिसेस ऑफ योर प्रॉपर्टी एंड आपको एक्चुअली खतरा था एंड यू शॉट एट हिम, ठीक है, आपने उसको मार दिया, देन आप पे चार्ज नहीं लगेगा, सही है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करके ही आपको बरी कर देगी, ठीक है, या आप पे मतलब वो क्रिमिनल चार्ज नहीं लगेगा इस केस में, ठीक है। तो आपके पास अगर एक्टस रिया आपके पास वो हो भी जाता है ना, उसमें भी कंडीशन है कि क्या आपने रेकलेसली या नेग्लिजेंटली एक्ट किया है या नहीं किया। आपकी इंटेंशन तो नहीं थी लेकिन क्या आपने नेग्लिजेंटली या रेकलेसली तो एक्ट नहीं किया, ठीक है, तो इस एलिमेंट को मद्देनजर रखा जाएगा। इसी तरह मेंस रिया है, आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, सही है, वो भी डिपेंड करता है। अगर आपकी आपने मतलब लेट सपोज आसिफ ने डिक्लेयर कर दिया कि यार ये इस बिलाल से जान छुड़ाओ, इसको मतलब वो बाहर ये निकलेगा तो इसके हाथ पांव हम तोड़ेंगे, ठीक है, एकेडमी से, तो इसने अंदर एक बात कर दी, ठीक है, लेकिन उस बात पे उसने अमल नहीं किया तो आसिफ पे ये चार्ज नहीं लगाया जाएगा वायलेंस का। लेकिन लेकिन अगर आपके पास ये केस होना कि आसिफ ने अंदर ये बात कह दी कि बस ये बिलाल एकेडमी से निकलेगा तो इसके हाथ पांव हमने तोड़ने, और आसिफ ने फिर बंदे भी बाहर बुलाए हुए थे, ठीक है, और वो वेट भी कर रहे थे और बाकायदा मतलब हॉकी स्टिक ये बेसबॉल बैट ये सारा कुछ लेकर आके थे और वो बिल्कुल वेट कर रहे थे, लेकिन वो बिलाल बेचारा इससे बच गया, तो इस केस में गिल्टी माइंड था, एक्ट कमिट नहीं हुआ लेकिन प्रिपरेशन पूरी थी, तो तब भी हसीब पर क्रिमिनल चार्ज लगेगा। इज इट क्लियर नाउ? ये दोनों में भी फिर कंडीशंस मौजूद हैं, तो आप लोगों को ये बात जहन में याद रखनी चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। अभी मेरा क्वेश्चन है, इसमें मेरा क्वेश्चन है, चाहिए लाइबा आप नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड लाइबा आप मौजूद है क्लास में? हेलो, अगर लाइव आ गई है तो फिर आप उन्हीं से क्वेश्चन, ये तो सिर्फ एक एडिशनल उसमें करना था, ये चीजें आपको मिल भी जाएंगी जो आपके साथ लाइव बुक शेयर करेगी, ठीक है, वैसे ही मैंने आपको बता दिया। जी जी क्वेश्चन करें। क्वेश्चन मेरा आपके पे ये, आपने जो पहली क्वेश्चन जो दी है एग्जांपल, इट वाज टोटली ऑन द सेल्फ डिफेंस ना, अगर आप सेल्फ डिफेंस पे करते हो क्योंकि उसने हाउस ब्रोकरिंग पहले की है और उसने वो गलत काम किया तो उस पर तो जस्टिफाइड है, आपको सजा नहीं होगी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है,
कि अगर एक बंदा फॉर एग्जाम्पल शादी है कुछ भी है नौकरियन ही इज फायरिंग ना, अब मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैंने उस बंदे या बंदी को मार नहीं रखा, मैंने जब हवा में फायर किया किसी को जाके लग गया, मेरी इंटेंशन नहीं थी और वो बंदा मर गया, तो इस केस के अंदर जो आपने अभी केस बताया वो अप्लाई होगा या नहीं होगा? एग्जैक्टली अप्लाई होगा, ये आपके पास साथ लाइव जो नोट शेयर करेंगी ना जो कि लेक्चर में मैंने उनको बताया हुआ था, ठीक है, इसमें डिफरेंट कंडीशंस मैंने ये बताई हुई थी कि अगर आप किसी बंदे को गन चलाना सिखा रहे हो और आपको ये पता भी है कि ये रेकलेसली या नेग्लिजेंटली एक्ट कर सकता है और इसका निशाना चूक सकता है, ठीक है, और उससे किसी को गोली लग जाती है, तो फिर आप दोनों पे क्रिमिनल चार्ज लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई कंडीशन मतलब कोई रीजनेबल, वो जिसको कहते हैं ना ये सरकमस्टांशियल एविडेंस, ये सारी चीजें जो आ जाती हैं, ठीक है, तो अगर प्राइमा फिश है, ठीक है, ये लीगल वर्ड है, अगर वो ये चीजें साबित कर रही हो कि आपकी इंटेंशन मेलाफेड नहीं थी, तब आप पे ये चार्ज नहीं लगेगा। इसी तरह मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ, ये रीजनेबल मैन टेस्ट का जो था ना, सही है, इसमें एक और कंडीशन भी आ जाती है। अब अगर एक बंदा किसी मतलब इसमें एक दूसरी कंडीशन भी आ जाती है, अब एक बंदा किसी बंदे का पीछा कर रहा हो, ठीक है, और उसको मारने के मतलब लेट सपोज क्या है, आपके पास हसीब जो है ये सिबत का पीछा कर रहा हो इसको मारने की नीयत से, ठीक है, बल्कि इसको मारने की नीयत से सिबत उससे भाग रहा है, ठीक है, सिबत ने क्या कर दिया कि यार उसने किसी स्टोर में जाके ये चुप गया, ठीक है, ये रेफरेंस रीडिंग्स में मैं ये सारी चीजें आपको भेज भी दूंगा, इसमें डिफरेंट केसेस मेंशन है, ये सारी चीजें इसी तरह लिखी हुई है, ठीक है। सॉरी यार मैं आप लोगों के नाम यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहने में आसानी हो, मतलब याद करने में आसानी हो, ठीक है। अब सिबत किसी स्टोर में छुप गया आसिफ से कि यार उसको जान का खतरा था या जो भी, उसको नहीं पता था कि यार ये मेरे साथ क्या करेगा, ठीक है। अब आसिफ तो उस सीन से चला गया, लेकिन आपके साथ क्या हुआ कि उस स्टोर में एक दूसरा बंदा बिलाल बैठा हुआ था, तो उसने क्या कर दिया, उसने मतलब कोई चीज उठाई और सिबत के सर पर मार दी, ठीक है। तो जितना नुकसान ये सिबत को पहुंचा है ना, उसमें ये बिलाल तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, लेकिन आपके पास हसीब पर भी इसका चार्ज लगेगा। तो ये आपके पास ये इवन रीजनेबल मैन टेस्ट जो है ना, इसकी भी दो कंडीशंस है कि आपने मतलब वो देखना होगा कि यार केस किस किस्म का है। वो चाकू वाले एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया ना कि इट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो, बट अगर आपकी वजह से कोई बंदा इमीडिएटली ऐसे हालात से दो चार हुआ है ना जिसकी वजह से उसको नुकसान पहुंचा है, देन यू आर इक्वली कल्पेबल इन दैट क्रिमिनल एक्ट। इज इट क्लियर? यस सर। चलो सर, वो जो आपने वो चाकू वाला एग्जांपल दिया था ना, तो उसमें तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मतलब वो डिलिबरेटली चाकू के ऊपर कुछ ऐसा जहर वगैरह लगाए ताकि वो इमीडिएटली एग्जैक्टली मैं आपको यही कर, उसमें मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि उसने काफी अरसे अपना इलाज नहीं करवाया, उसने उस चीज को इग्नोर किया, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी थी कि आपके पास उस चीज का इलाज करता, ठीक है, लेकिन उसने नेग्लिजेंस का फैक्टर आपके पास विक्टिम की साइड पर भी आ जाता है, तो अगर विक्टिम की नेग्लिजेंस की वजह से उसको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हुए, तो उसके लिए आपके पास उस ऑफेंडर को इम्प्लीकेट नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आपके पास वाज़े सबूत मौजूद है कि उस पर मतलब जहर वगैरह उन्होंने लगाया हुआ था, देन इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिर आपके पास उस बंदे को इम्प्लीकेट किया जाएगा उस क्राइम के लिए। इज इट क्लियर? मेरा एक क्वेश्चन है जो आपने एग्जांपल दिया उसमें। चलो वेरी गुड, ठीक है यार, आप खुद ही एग्जांपल्स नहीं है वो, जरा वो इमेज मैं आपके साथ फाइल शेयर कर दूंगा, इसमें ये डिफरेंट कंडीशंस है, एक्टस रियस मेंस रिया की, ठीक है, ये बड़ी खूबसूरती से डिफरेंट कंडीशंस लगा के ना उन्होंने समझाई है। नॉर्मली पेपर में इससे वो आता तो नहीं है, लेकिन अगर ये आप कंडीशंस लिख लेना ये क्राइम के हवाले से, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए और आता भी है, तो ये काफी खूबसूरती से आपका आंसर फिर वो चेकर के सामने आता है ना, ठीक है। लाइबा, आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? यस सर। चले आप कंटिन्यू करें, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। अच्छा, हम हैबिचुअल क्रिमिनल्स में थे, तो हम कहाँ थे इसमें?
नेचर इसकी क्या थी हमारे पास, तो इसकी नेचर जो थी नेचर है वो इकोनॉमिक भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है. ठीक है, अब इसकी हम एग्जांपल्स ऐसे ले लेते हैं कि अब इकोनॉमिक में क्या हो सकता है. ठीक है, अगर वो जो है तो किसी की कोई चीज चुरा लेना, ठीक है, उसको इकोनॉमिक वो नुकसान हुआ है ना, जिससे लिया है, मतलब हम एक पेटी थेफ्ट ले लेते हैं. ठीक है, छोटा सा छोटी सी चोरी कर लिया, बड़ी चोरी कर ली, हैबिचुअल है. ठीक है, कुछ वो पेटी से ग्रेव तक जा सकता है. अच्छा, सोशल हो गया, सोशल में ये हो सकता है कि वो उसके वो एग्जांपल हम इसमें इलीगल ड्रग पोजेशन की रख देते हैं. ठीक है, उसके सोशल इफेक्ट हो सकता है, होता है. ठीक है, अच्छा, फिजिकल में हम कह सकते हैं कि ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस. ठीक है, वो जो है तो या ड्रंक ड्राइविंग कर रहा होता है. ठीक है, या बस दैट इज ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस. ठीक है, तो उससे अगर किसी को वो गाड़ी लग जाए तो दैट्स फिजिकल हार्म टू दैट पर्सन. ठीक है, अब पैटर्न इसका क्या हो सकता है, इसका कोई भी पैटर्न हो सकता है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, कोई भी हो सकता है. अब पेनल्टीज की क्या हो सकती है कि जो पीपीसी 1860 जो है पाकिस्तान पीनल कोड, उसी से ही ये हमारे पास इसकी पेनल्टीज होती है. ठीक है, और ये क्राइम्स होते हैं तो इसमें ये होता है कि हमारे पास रिपीटेडली वो ये क्राइम्स कमिट कर रहा होता है, तो उसकी हैबिट बनी होती है ये क्राइम्स करना. सो दैट्स हैबिचुअल, दीज आर द हैबिचुअल क्रिमिनल्स. अच्छा, अब हमारे पास आते हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल्स. ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द करियर क्रिमिनल्स. ये क्या करते हैं, इनको लगता है, ये लोग कहते हैं कि ये जो हमारा जो जो क्रिमिनल्स हैं, ये कहते हैं कि दिस इज अ नॉर्मल ऑक्यूपेशन. ठीक है, जो हम कर रहे हैं तो ये तो हमारा करियर है. ठीक है, ये इसमें एक्सपर्ट्स भी होते हैं. सो दोज पीपल फॉर होम द प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज क्राइम, देयर लिविंग डिपेंड्स ऑन द क्राइम, दे कंसिडर इट एज अ काइंड ऑफ नॉर्मल ऑक्यूपेशन, दे हैव अ सेंस ऑफ सेल्फ एग्रैंडिजमेंट एंड हैव and have a strong social bonds. Theek hai, normally they are independent in their commission of crime and have intention of continuing this job in future. क्या करते हैं, अच्छा, इससे हमें इतना अंदाजा हो जाता है कि इनकी जो लाइवलीहुड है वो डिपेंड करती है ऑन क्राइम. ठीक है, इनका ऑक्यूपेशन ही क्राइम है, मतलब ये काम क्या करते हैं, इनका काम ही जुर्म है. ठीक है, जुर्म करना है तो, और ये इसको गलत भी नहीं समझते, इनको ये एक बिल्कुल नॉर्मल चीज लगती है, एक नॉर्मल ऑक्यूपेशन लगता है इनको. ठीक है, और इसमें इनके सोशल बॉन्ड स्ट्रांग क्यों होते हैं, क्योंकि एक इनका जो होता है तो हर किसी के साथ इनको बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि दे आर प्रोफेशनल्स, वो हर चीज को प्रोफेशनल्स की तरह ही ट्रीट करते हैं. ठीक है, और इनका कोई इरादा नहीं होता इस जॉब को छोड़ने का, इनको बस ये इनका करियर है, उन्होंने ये करना ही है. ठीक है, अब ये जो होता है ना कि इससे ये हो कि इनकी लाइवलीहुड डिपेंड करती है क्राइम पे, तो इससे हमें इस चीज का पता चलता है कि ये मोस्टली हमारे पास जो है तो वो लोग करते हैं जिनका जो लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं. ठीक है, जेंडर इसमें कॉमनली हमारे पास मेल जेंडर इन्वॉल्व हुआ होता है. ये हमने उसमें पढ़ा था, अगर आपको याद हो हमने मर्टिन का चार्ट पढ़ा था कि इनोवेटिव्स होते हैं. ठीक है, और इनमें बहुत पोटेंशियल होता है, ये मोस्ट प्रोबेबली क्रिमिनल्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी इनकी क्रिमिनलिटी की तरफ ज्यादा होती है. ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि इनके गोल्स तो इनको पता है कि अच्छा गोल्स तो वो सोसाइटी वाले इन्होंने करने, लेकिन रास्ता इन्होंने जो है तो वो डिवियंट रास्ता उन्होंने चूज किया होता है. डिवियंट्स में फिर कौन सा वाला हमारे पास, उन्होंने अडॉप्टेशन ली होती है इनोवेशन की. ठीक है, और ये इनकी जॉब होती है बस. अब इनका बैकग्राउंड क्या होता है, मोस्टली लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं, मेल जेंडर मोस्टली यही होता है. ठीक है, एज ग्रुप की ऐसी कोई कैद नहीं है इसमें. अब सिवेरिटी क्या होती है कि मोस्ट कॉमनली द क्राइम्स कमिटेड आर ग्रेवियस. ठीक है, नेचर इनकी क्या होती है, थ्रेट और हार्म टू इकोनॉमिक और फिजिकल सिक्योरिटी, यानी या आइदर इकोनॉमिक और फिजिकल और बोथ ऑफ देम. ठीक है, अब पैटर्न इनका मतलब मोस्टली तो इनका इकोनॉमिक होता ही है, लेकिन फिजिकल सिक्योरिटी भी तब होता है जब अगर इनका कोई ऐसा काम हो कि किसी को असैसिनेट करना. ठीक है, जो उजरती कातिल होते हैं वो तो उनका प्रोफेशन ही यही होता है. ठीक है, या रॉबर्स होते हैं. ठीक है, या किडनैपिंग करते हैं, अगवा बराए तावान, किडनैपिंग फॉर रैंसम. ठीक है, या ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं. ठीक है, जो हमारे पास चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं ये सब. ठीक है, ड्रग डीलर्स होते हैं.
ये सारे हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, पैटर्न इनका क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली इनका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होता है ड्यू टू स्पेशलाइजेशन इन देयर पर्टिकुलर स्किल। अच्छा, अब स्पेशलाइजेशन इन देयर पर्टिकुलर स्किल का मतलब ये है ना कि ये एक ही चीज को पकड़ते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो उसका वो तो प्रोफेशनल है ना, करियर क्रिमिनल है, और स्पेशलाइजेशन है उसकी सिर्फ किडनैपिंग में फॉर रैंसम। तो वो उसी चीज को कंटिन्यू करेगा आइदर हॉरिजॉन्टल, कि मतलब वो उसी को सेम पेस पे सेम क्राइम को लेके चल रहा है, या फिर वो वर्टिकल करेगा, यानी पहले कम करता था अब उसने ज्यादा कर दिया, ठीक है, लेकिन वो उसी सेम क्राइम को ही वो कमिट कर रहा होता है, क्योंकि वो उसमें उसमें स्किल्ड होता है, उसमें स्पेशलाइज्ड होता है उस क्राइम में, ठीक है। इज इट क्लियर? जी, यस मैम। अच्छा, इसमें अकॉर्डिंग टू एडविन सदरलैंड मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इनकी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। एक तो रेगुलरिटी इनकी होती है, ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस वो ये कर रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि उसमें कोई चेंज नहीं आता, बस वो उसको वो परसू कर रहे होते हैं और उनका इरादा भी उसको परसू करने का ही होता है। अच्छा, स्किल्ड होते हैं उस चीज में, ठीक है, टेक्निकल स्किल उनका होता है। अगर वो ड्रग डीलर्स हैं तो उनकी वही स्पेशलाइज्ड फील्ड है और उसमें वो स्किल्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, उनका एक स्टेटस होता है सोसाइटी में, ठीक है। अब एक वो जो वो कह रहे होते हैं ना कि हाँ तक पहुंचना है, ठीक है, तो इनका एक स्टेटस होता है और इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर किसी के साथ ये बना कर रखते हैं, ठीक है। हमने अभी ऊपर कहा कि इसकी सोशल बॉन्ड्स होती हैं, तो वो ये बना के रखते हैं सबके साथ, ठीक है। और डिफरेंशियल एसोसिएशन है, मतलब हर किस्म के लोगों में इनका उठना बैठना होता है, ठीक है। तो वो चाहे उनके क्लाइंट्स हों या चाहे उनके फ्रेंड्स हों या जो भी हो, तो ये अपना एक सर्कल इनका होता है। आप उसमें होते ये इंडिविजुअली क्रिमिनल्स हैं, एस ऑर्गेनाइजेशन क्राइम्स नहीं होते, ये वो अलग है, ठीक है। लेकिन ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, ये सब के साथ अपना एक सर्कल मेंटेन रखते हैं, एक सोशल बॉन्ड रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्राइम्स की तरफ आते हैं। तो क्राइम्स में भी हमने वही पैटर्न फॉलो करना है जो हमने क्रिमिनल्स में वो फॉलो किया था, सेम हेडिंग्स हमने रखनी है, ठीक है। अब इसमें है सबसे पहले हम इसमें वाइट कॉलर क्राइम्स पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पढ़ेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम्स पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाइट कॉलर क्राइम्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट जो है, तो किसी को पता है व्हाइट कॉलर क्राइम्स क्या होते हैं? Crime committed by the high officials, CEOs और कोई मतलब higher status के person जो crime commit करते हैं, उनको white collar crime कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हम इसकी definition पढ़े थे। The concept of white collar crimes was given by Edwin Sutherland in 1939. अच्छा, it is a crime committed by a salaried person during the course of his job, where the authority is used illegally for a financial theft or fraud. ठीक है? वो कोई ऐसा बंदा जो जैसे कि इन्होंने बताया कि वो सैलरी लेता हो, ठीक है, मोस्टली ये हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर है ना, तो उसमें होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि इनके पास पावर होती है, इनको सैलरी भी मिल रही होती है, और वो क्या करते हैं कि अपनी उस पावर को, अपनी उस जॉब को जो है, तो अथॉरिटी को इलीगली यूज करते हैं फाइनेंशियल थेफ्ट के लिए, फ्रॉड के लिए, फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इनका बैकग्राउंड जो होता है, तो obviously they are people on higher positions, mostly in public sector organizations, ठीक है, वहाँ पे। अब severity इनकी क्या होती है कि normally इनकी severity high severity होती है, ठीक है, मतलब वो जो bribery ले रहे होते हैं for example, या insider trading होती है, तो severity उनकी ज़्यादा ही होती है, ठीक है, क्योंकि they are in a powerful position और उस powerful position में power का misuse कर रहे हैं, तो obviously it is severe। अब बैकग्राउंड इनका क्या होता है कि वो तो हमने कह दिया कि अच्छा, फिर नेचर इनका क्या है ये क्राइम का, व्हाइट कॉलर क्राइम का, इट्स इकोनॉमिक इन नेचर, ठीक है। अब पैटर्न इनका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है।
पेनल्टी के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, एक तो पाकिस्तान पीनल कोड है 1860, ठीक है, ये हमारे पास, ये तो हम सब में ही लिखेंगे. फिर इसमें ये आ जाता है कि हमारे पास एहतसाब एक्ट 1997 ये आ जाता है, नैब ऑर्डिनेंस 99 और एंटी करप्शन लॉज, ये भी हमने इसमें ऐड कर लिए. तो ये जो है, तो हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो हमारे पीपल ऑफ पावर है जो कि अपनी पावर का मिस यूज करते हैं, तो दैट इज व्हाइट कॉलर क्राइम. ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास ब्राइबरी आ गई, इनसाइडर ट्रेडिंग आ गई, एम्बेजलमेंट, इंश्योरेंस फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट. इनसाइडर ट्रेडिंग किसी को पता है क्या है? यस मैम, इनसाइडर ट्रेडिंग और अंदर बिजनेस का पहले इसका मतलब ये होता है कि जिस टाइम इनसाइड ट्रेडिंग होती है कि जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं ना, वो जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर दें फॉर देयर पर्सन, और उससे उनके कोई जानने वाले या जो उनके साथ कंपनीज हैं उनको फायदा हो, तो इट्स इज कॉल्ड टू बी इनसाइड ट्रेडिंग. फॉर एग्जांपल शेयर्स वगैरह में ज्यादा काम हो रहा होता है. बिल्कुल यही है. इसकी एग्जांपल मतलब एग्जांपल तो नहीं, हिंट है ये याद रखने के लिए मैंने किया था. YouTube पे एक चैनल है इनसाइडर, ठीक है, तो वो हमारे हमें वो डिफरेंट फैक्ट्रीज में जाके वो चीजें बताते हैं जो हमें पब्लिकली वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, तो उसका नाम इनसाइडर है. इसी तरह इनसाइडर ट्रेडिंग भी इससे हम याद रख सकते हैं कि जो मतलब वो ऐसी बातें जो कि हमारे जो पब्लिक को वो नहीं बतानी, पब्लिक को इजीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं होती, उस इंफॉर्मेशन को जो है, तो वही जो आपने बताया इनसाइडर ट्रेडिंग वही है एग्जैक्टली. ये स्टॉक एक्सचेंज वाले टॉपिक में सर आफ्ताब ने इसकी एग्जांपल भी दी हुई थी, मतलब शेयर्स जो लोग खरीदते बेचते हैं ना, पानी भी जब हम कवर करते हैं. ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने नोट्स, तो इसमें मैंने ऐड किया हुआ है, वो एक आर्टिकल है, तो फिर आप उससे पढ़ सकते हैं. ठीक है, अच्छा, ये मैंने एक एक्सर्प्ट में देखा था कि इन जून 2018 दिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर साकिब निसार इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एट लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी, और ये हमारे पास ट्रेनिंग ऑफर करता है इन डिफरेंट फील्ड्स. यू कैन ऐड दिस टू इट इफ यू वांट टू. अच्छा, अब व्हाइट कॉलर क्राइम्स की समझ आ गई है? ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम्स है और एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है, इनमें डिफरेंस है, प्लीज इसको गौर से सुने. ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हमारे पास वो क्राइम्स होते हैं ना कि जो कि हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं और वो उसको प्लान भी करते हैं, कमिट भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं. ठीक है, और ये बहुत बड़े स्केल पे सब कुछ हो रहा होता है. ठीक है, द टाइप ऑफ क्राइम व्हिच इज प्लान्ड committed and controlled by organized groups and is caused and is carried out on a large scale. Theek hai, normally it is carried out in phases with specialized division of labor. Theek hai, isme hamare paas do groups hote hain. Theek hai, ek ek ko hum kehte hain brain aur ek ko kehte hain hum muscle. Theek hai, brain jo hamare paas hota hai wo hamare paas normally wo जो इलीट ग्रुप होता है, ठीक है, इनके जिम्मे क्या होता है कि मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इनके जिम्मे होती है. ठीक है, ये सब कुछ ये करते हैं, द ब्रेन इज दैट कि वो प्लानिंग सारी वो करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद मसल आता है. मसल में हमारे पास एक सपोर्ट ग्रुप होता है और एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है. ठीक है, सपोर्ट ग्रुप हमारे पास क्या करता है कि वो क्राइम जो ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं उसमें वो हेल्प कर रहे होते, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राइम में वो हेल्प कर रहे होते हैं. और सिक्योरिटी ग्रुप जो होती है ना, वो हमारे वो इनको फिजिकल और वो इनको सिक्योरिटी शील्ड प्रोवाइड करती है. ठीक है, फिर वर्किंग यूनिट जो उनका होता है, तो उसमें हमारे पास जो ये लो सोशियो इकोनॉमिक जो लोअर तबके के लोग हैं, तो वो उसमें काम कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम है हमारे पास, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है हमारे पास के बेगरी का, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बेगरी होता, तो उसमें क्या होता है कि जो मसल होता है, जो ब्रेन होता है ना, वो हमारे पास वो लोग होते हैं जो उसको सारा कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो हेड्स होते हैं, जो हमारे पास नॉर्मली इलीट्स होते हैं. लेकिन जो हमारे पास ये मसल होता है और इसमें वो वर्किंग यूनिट है ना, वो हमारे पास ये जो सिग्नल्स पे खड़े होते बच्चे होते हैं, दे are the workers. ठीक है, that is the working unit, इसको हम muscle कहते हैं. अच्छा, ये इसकी मैंने थोड़ी सी history दी थी, if you want to read it, give it a read. ये था कि इसमें मैं briefly बता देती हूँ कि ये organized crime जो था इसका origin कब हुआ था, कि ये street gangs होते थे ना US में, तो
तो इन 1800s एक गैंग था तो उसका नाम था 14 थीव्स इन न्यूयॉर्क. ठीक है, ये आयरिश अमेरिकन थे. ठीक है, और ये बहुत ही मतलब वो दिहाड़ी वाले लोग जो थे, तो वो लोग थे बहुत कम जो कमाते थे. ठीक है, इस्लाम एरियाज में रहते थे ये लोग. तो इनको जो था जो इलीट्स होते थे इनको टास्क देते थे, डिफरेंट क्रिमिनल टास्क. ठीक है, और वो इसमें इन्वॉल्व रहते थे हर वक्त. ठीक है, वो उसमें इतने वो स्किल्ड हो गए, इतने सक्सेसफुल हो गए ना, कि वो जो था तो फिर ये पॉलिटिक्स में भी आने लगे. इवन कि इनका एक बंदा था विलियम बॉस जो था, वो जो था तो वो एक टाइम पे जो इनका एक हॉल था टमैनी हॉल, वो उसका उसके लिए वो इलेक्शन में जो था तो उसमें वोट भी उसको मिले थे. फिर क्या हुआ कि 1850s में जो था तो ये ग्रुप डिसॉल्व हो गया था. ठीक है, फिर उसके बाद इनके मेंबर्स ने क्या किया कि इन्होंने और ग्रुप्स ज्वाइन करना शुरू कर दिए. ठीक है, क्योंकि जब वो ग्रुप खत्म हो गया था तो इन ये तो लो वेजर्स से ऑलरेडी, तो इनका जो था तो इकोनॉमिक बर्डन इन पे बहुत ज्यादा हो गया था. तो फिर इन्होंने क्या किया कि और ग्रुप्स इन्होंने ज्वाइन कर लिए. फिर इन्होंने इलीगल एक्टिविटीज में शुरू हो गए. फिर उस टाइम पे हमारे पास एक इटालियन अमेरिकन ग्रुप था, इसको अमेरिकन कॉसा नोस्ट्रा कहते थे. ठीक है, और माफिया, ये पूरा एक माफिया था. ठीक है, कॉसा नोस्ट्रा जो होता है ये होता है, कॉसा नोस्ट्रा का मतलब होता है आवर थिंग. ये जो सिसिलियन माफिया होता है, ये जब एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं माफिया के अपने ही ये जो मसल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो वो कहते हैं कि कॉसा नोस्ट्रा वन थिंग और या लास्ट एस कॉसा मतलब के द सेम थिंग. तो वो ये था कि वो अपने आप को द ऑनरेबल सोसाइटी कहते थे. वो बहुत मतलब फखर से कहते थे कि वी आर द ऑनरेबल सोसाइटी. और ये मतलब ये फिर इन्होंने इतनी बदमाशी शुरू कर दी थी कि 1920 में जब अमेरिका में अल्कोहल सेलिंग पे बैन लगा था ना, तो इन्होंने क्या किया था कि इटालियन क्राइम फैमिली जो थी ना, तो वो इसमें इन्वॉल्व हो गई थी ये अल्कोहल की इलीगल सेलिंग में और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में. तो ये इसकी ओरिजिन वहां से हुई थी. ठीक है, अच्छा अब इसमें बैकग्राउंड की हम बात कर लेते हैं कि हाई सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जो होता है तो वो ब्रेन होता है, जो इलीट मैंने आपको बताया, जो कंट्रोल कर रहे होते हैं हर चीज को. फिर लो सोशो इकोनॉमिक क्लास से हमारे पास मसल होता है, जो वर्किंग क्लास होती है, सिक्योरिटी ग्रुप होता है, सपोर्ट ग्रुप होता है, वो मसल होता है. डिग्री ऑफ सिवेरिटी इनकी पेटी भी हो सकती है, ग्रेवियस भी हो सकती है. पेटी में हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज बेगरी हो जाएगी. ग्रेवियस में हमारे पास प्रोस्टिट्यूशन हो जाती है. ठीक है, अल्कोहल जो होता है तो वो उसकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है. ठीक है, फिर हमारे पास इसकी नेचर क्या है, इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है, फिजिकल भी है. अच्छा, पैटर्न इसका नॉर्मली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ही होता है, क्योंकि ये भी जो जैसे प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं तो उसमें वो स्पेशलाइज होते हैं, इस तरह ये लोग भी स्पेशलाइज होते हैं. ये एक ग्रुप में सारा काम कर रहे होते हैं. अच्छा, पेनल्टी इनकी वही पाकिस्तान पीनल कोड 1860 से हमें इनकी पेनल्टीज का पता चलता है, और एग्जाम्पल्स मैं आपको बता चुकी हूँ. आप लोग को समझ आ रही है? हेलो, जी जी आ रही, समझ आ रही है. जी जी आ रही है. अच्छा, ये इसको ना एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीका होता है इनका. मतलब इसमें ये जो मेंबर्स होते हैं ना, ये बहुत लॉयल और कमिटेड होते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, और इस काम के साथ ये जो है तो ये ओथ्स भी लेते हैं, इनके पूरे रस्म और रिवाज होते हैं वो सब कुछ ये लोग करते हैं. और ये सीक्रेसी जो है, दे स्वेयर टू सीक्रेसी, के मतलब वो हर इसको सीक्रेसी को जो है तो सबसे मुकदम रखेंगे. अच्छा, दे डील इन इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज. न्यू यंग मेंबर्स ज्वाइन फॉर मनी, पावर, ठीक है, अथॉरिटी एंड प्राइड. अच्छा, और इसकी एक्सक्लूसिव मेंबरशिप होती है, मतलब हर किसी को तो ये अपने ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इनका फिर ये होता है कि इंफॉर्मेशन लीक होने का भी खतरा होता है, और ये सब चीजें इसमें होती हैं. जो हम मूवीज में देखते थे माफिया, दैट्स बेसिकली द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स. ठीक है, और इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसपे ये स्ट्रिक्टली अमल करते हैं. ठीक है, और इनकी पूरी मोनोपोली होती है. ठीक है, उस जगह पे ये पूरे वहां के इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है पूरी. अच्छा, एक हमारे पास है कॉर्पोरेट क्राइम्स. ठीक है, अब कॉर्पोरेट क्राइम्स हमारे पास क्या होते हैं? दीज आर द क्राइम्स विच आर कमिटेड बाय इंडिविजुअल विद इन देयर लेजिटिमेट ऑक्यूपेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, किसी को पता है कॉर्पोरेट क्राइम्स होते क्या है वैसे?
एनीवन मतलब ये जनरली होते तो वाइट नहीं जनरली ये वाइट कॉलर क्राइम्स ही होते हैं क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्किंग जो आपका तबका होता है वही कमिट करते हैं बट ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो है तो बिगर बेनिफिट के लिए उसको कमिट करते हैं ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उससे फायदा हो एग्जैक्टली लेकिन ये जो होते हैं ना ये वाइट कॉलर क्राइम्स जो होते हैं वो मोस्टली पर्सनल बेनिफिट्स के लिए होते हैं ठीक है लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये जो कॉर्पोरेट क्राइम्स है ना ये उस जो अपनी जो एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन है ना तो उसको जो कॉर्पोरेट सेक्टर में उनकी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेनिफिट करने के लिए ठीक है The इसकी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं द ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट क्राइम्स कैन बी ट्रेस टू द लार्जर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम व्हिच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एडविन सदरलैंड ठीक है अच्छा अब एक्सप्लेनेशन और डिफरेंशिएशन फ्रॉम व्हाइट कॉलर क्राइम अच्छा द कॉर्पोरेट क्राइम्स ओवरलैप्स विद द व्हाइट कॉलर क्राइम बिकॉज द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स who may act or represent the interests of the corporation are white collar professionals however one main difference is that with corporate crimes the person or people committing the crimes are working on behalf of the company they work for the goal is to financially benefit the company or its shareholders it is worth noting that to be considered a corporate crime the company in question does not need to be aware of or condone such criminal activity acha iske nature hamare paas kya ho sakti hai iske nature hamare paas economic hai basically severity depends upon the size of the corporate firms vary from company to company acha background of the criminal kya hota hai jahan paas they are from good social backgrounds obviously they are working in the corporate sectors they are working on a they are employed in a good company or ek achhi post par hain so they are from good social backgrounds acha pattern inka wahi hota hai horizontal ya ho sakta hai ya vertical bhi ho sakta hai acha penalty inke liye kya hai ppc 1860 hai aur inko nab aur fia jo hai to wo bhi counter kar sakte hain अच्छा अब इसकी एग्जांपल्स हैं ठीक है इसकी एक एग्जांपल ये थी ना कि जो वोक्सवैगन की कंपनी थी ना तो उन्होंने क्या किया था ये एक वोक्सवैगन एमिशन स्कैंडल था ठीक है इसमें क्या हुआ था कि जो कुछ एम्प्लॉयज थे ना इस कंपनी के इन्होंने क्या किया था कि एक सॉफ्टवेयर ऐसे डिजाइन किया था ना कि वो हमारे पास जो कार जो थी तो उसकी एमिशंस जो थी उसकी रीडिंग्स को बहुत कम दिखाती थी ठीक है और मतलब वो ऐसे शो कराती थी कि ये जो हमने गाड़ियां बनाई है तो वो कंपेटिटर्स से मतलब बेस्ट है ठीक है लेकिन क्या हुआ था कि इन रियलिटी दीस कार्स एमिशंस वर एक्चुअली 40 टाइम्स हायर देन द परमिसिबल लेवल्स Since the goal of this fraud was to financially benefit the business, not the perpetrators directly, it is considered as a corporate crime. ठीक है? और एक हमारे पास था Beechnut Nutrition Corporation. इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने मतलब गलत information दी थी उसके ऊपर nutritional values के ऊपर. इन्होंने एक juice बनाया था और उसके ऊपर उन्होंने जो nutritional content था वो गलत लिखा था. ठीक है? तो वो juice जो था जब वो बिकने लगा तो वो ये violation of the federal law था. ठीक है? तो इस कंपनी के साथ क्या हुआ कि इसको फाइन किया था $2 million ठीक है फॉर सेलिंग फेक एप्पल जूस और फिर इसके पर डिफरेंट स्कैंडल लगे थे और फिर जो था एस्टिमेटेड इनके ऊपर जो फाइंस लगे थे लीगल फी थी और जो इस स्कैंडल की वजह से इनके जो सेल्स बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गए थे तो उसकी वजह से इनको टोटल ऑफ $25 million इनको लॉस हुआ था तो ये जो था तो ये हमारे पास कॉर्पोरेट क्राइम्स हो गया आपको समझ आई इसकी जी एनी क्वेश्चंस हेलो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपने अभी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बताया व्हाइट कॉलर क्राइम बताया ना इनमें जो बिल्कुल स्लाइट सा डिफरेंस है ना वो दोबारा रिपीट कर दें मैं वो उसमें इंटेंगल हो गया था मुझे समझ नहीं आई
अच्छा ठीक है, व्हाइट कॉलर क्राइम्स वो होते हैं ना कि जो हमारे पास हायर पोजीशंस पे मोस्टली पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में ही होता है कि जो लोग हायर पोस्ट पे होते हैं ना वो इलीगल वेज जो होते हैं तो अपनी पावर को इलीगली यूज करते हैं, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट, ठीक है, पर्सनल बेनिफिट के लिए. लेकिन जो कॉर्पोरेट क्राइम्स होती है वो जो एम्प्लॉइंग कंपनी है ना उसके लिए वो ये फ्रॉड करते हैं, ठीक है. ओके मैं समझ गया, थैंक यू. Welcome. और कोई क्वेश्चन? एक आपने क्वेश्चन बताया था कि जो आप टाइप बता रहे थे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और दो टाइप और भी थी, आप काइंडली ना इनको डिफरेंशिएट कर दें कि ये टर्म्स में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, कोई विद एक प्रॉपर एग्जांपल. समझ तो आ रहा था लेकिन कोई एग्जांपल कोट कर दें तो अच्छा हो जाएगा. अच्छा ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ. मैंने इसकी एग्जांपल शायद आपको दी भी है. एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल, ठीक है. अब हॉरिजॉन्टल पैटर्न में क्या, हॉरिजॉन्टल में ये होता है हमारे पास के वो सेम क्राइम्स जो है तो उसको यूनिफॉर्म पेस पे लेके चल रहा है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा इसमें कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पैटर्न पे काम करते हैं, ठीक है. हॉरिजॉन्टल पैटर्न पैसे काम कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं अफवा बराए तावान, ठीक है, किडनैपिंग फॉर रैंसम वो कर रहे हैं, वो सेम उसी चीज को ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स भी यही करते हैं और जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं वो भी यही करते हैं कि उसमें वो स्पेशलाइज्ड होते हैं तो वो सिर्फ वही एक क्राइम को पकड़ते हैं और वही करते हैं, ठीक है, और एट द सेम पेस, ठीक है. जैसे वो बस पहले से चलता था उसी तरह उसको लेके चल रहे हैं, ना ज्यादा कर रहे हैं ना कम कर रहे हैं, ठीक है. अब वर्टिकल में क्या होता है कि वो कर रहे हैं उसकी तरह लेकिन उसको थोड़ा सा लार्जर स्केल पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, उसकी पेस बढ़ा रहे हैं, तो दैट्स वर्टिकल. मतलब कर रहे हैं वही क्राइम है, द सेम क्राइम, लेकिन उसको एट अ हायर पेस कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गई इसकी? यस थैंक यू मुजाद. अच्छा, और पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप में ये होता है, पॉजिटिव स्लोप में ये होता है कि उसकी सिवेरिटी भी इंक्रीज होती जाती है और इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम भी इंक्रीज होती जाती है. मतलब उसने शुरू किया होगा एक पेटी से क्राइम से, चोरी से, और फिर वो बढ़ता जा रहा है और अभी डकैती और फिर उसके बाद कत्ल और फिर इस तरह जाता जा रहा है, ठीक है. और जो नेगेटिव स्लोप है तो आई वुड से कि रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं उसके, वो कम होते जा रहे हैं. जैसे कि सर ने बताया कि उसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स जो ले रहे थे मतलब कि वो बहुत इफेक्टिव थे, इसीलिए क्राइम रेट में वो उसके क्राइम में डिक्रीज आया है. इज इट क्लियर नाउ? यस इट्स क्लियर, थैंक यू सो मच. मैम एक और, सर यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? जी जी, मेरा एक और क्वेश्चन था, ये माला प्रोबेशिया और माला, इनसे आपने बताया था, इनसे का आपने बताया था ना कि वो इटसेल्फ ही गलत है, और प्रोबेशिया का आपने बताया था कि वो जो रूल ऑफ लैंड है उसको गलत करार देता है ना, तो वो तो वेरी करेगा, मतलब नॉर्म्स, बिल्कुल वो तो वेरी करेगा कंट्री टू कंट्री. फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में डिफरेंट ड्रिंकिंग है या कोई और एक्स वाइज चीजें जो गलत है, लेकिन ब्राजील या डिफरेंट कंट्रीज में वो गलत नहीं है ना, तो वेरी करेगा हमारे पास. जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो वेरी करता है, वो डिपेंड करता है सोसाइटी पे, ठीक है, कि उस सोसाइटी में प्रोहिबिटेड क्या है, ठीक है. जैसे अब यहाँ पे हम यहाँ पे कोई ड्रिंक नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, लेकिन अगर अब्रॉड कोई करना चाहे जो दूसरी कंट्रीज में वो कर, जहाँ पे वो प्रोहिबिटेड नहीं है तो डिफरेंट होता है ये हर जगह पे. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी सर. जी जी, कंप्लीट हो गया ये कॉर्पोरेट क्राइम्स तक, कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम्स? चलो ओके फाइन. तो यार कौन इसको समराइज कर सकता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, क्या समझ आई है आपको? एनीवन? उस्ताद भाई मैं करूं? हाँ हाँ जी बिल्कुल, ये बताएं कि क्या क्या हमने पढ़ा ना. बिल्कुल, एक ऑर्गेनाइज हमने जो शुरू किया था वो हमने पहले शुरू किया क्राइम से, फिर हमने क्राइम को कहा कि वो वर्ल्ड कहाँ से ड्राइव हुआ, उसके बाद हमने इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी कि कौन से हमारे पास जो भी लोग थे उन्होंने इसके बारे में स्टडी करना शुरू की, फिर हम इसके आस्ता आस्ता आए के मतलब आपके पास जो टर्म्स रिलेटेड है, इसके नॉर्म्स थे, डेवियंस थी, ईवल था, सिन था, वाइस था, हमने जो बेसिक टर्म्स थी उसको पढ़ा. उसके बाद हमने वो पढ़ने के बाद हम अपने पास थोड़ी सी मैम ने वो भी बताई थी जो हमारे पास थीरीज थी, जिस तरह स्विट्जरलैंड का कुछ थोड़ा बहुत बताया था, लेबलिंग का बताया था. उसके बाद हम आए थे क्राइम्स और टाइप्स ऑफ क्राइम्स और क्रिमिनल्स पे ना, तो
तो हमने फिर टाइप्स ऑफ क्रिमिनल पढ़े, जिसने ओकेजनल पढ़ा, हैबिचुअल पढ़ा, उसके बाद हमने एक प्रोफेशनल पढ़ा, उसके बाद हम आगे टाइप्स ऑफ क्राइम्स पे ना, क्रिमिनल्स के बाद. तो अभी हमें क्राइम्स की टाइप्स पढ़े थे, तो उसमें आपके पास वाइट कॉलर ये जिस तरह क्राइम्स थे, डिफरेंट डिफरेंट थे, वो हमने पढ़े. और उसके बाद अभी हमारा जो खत्म हुआ ये ऑर्गेनाइज क्राइम पे खत्म हुआ. ठीक है. और फिर ऑर्गेनाइजेशन, मेरे ख्याल में कॉर्पोरेट क्राइम्स आप लोगों ने कवर कर लिया है, ऑर्गेनाइजेशन क्राइम्स या कॉर्पोरेट क्राइम्स आखिरी जो है. जी सर, कर लिया. चले ठीक है. ठीक ठीक, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, मतलब इन्होंने समझाया, काफी मेहनत की है उन्होंने. चले ठीक है, बस यार यही है, क्रिमिनोलॉजी को इस तरह लेकर